थोड़ा बहुत मैं भी शौक रखती हूँ लिखने का। क्यों रखती हूँ? एक गजल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ, बतला है और एक शेर है। एक बतला एक शेर सुना। जो अंदर है मेरे सोया उसे जगना जरूरी है। अच्छा। जो अंदर है मेरे सोया उसे जगना जरूरी है। जो चाहूं मैं रहूं जिंदा तो फिर लिखना। क्या बात है, उसे जगना जरूरी है। और इस शेर पर आपको बहुत चाहिए। जानकारी मैं सारी दुनिया को देना चाहता हूँ उस मुकम्मल पिता के बारे में और उनके इल्म के बारे में, और वो इल्म जो सोना रुपा को प्राप्त हुआ। देश का एक ऐसा कवि, एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिसके बिना हिंदी कवि सम्मेलन का इतिहास अधूरा है, और देश की अव्यवस्था के खिलाफ अपनी कलम उठाने वाले उस कवि का नाम था डॉक्टर उर्मिलेश शंकर। उर्मिलेश जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आपको अपना इल्म अपनी कलम सौंप के गए, और बड़ी खुशी की बात है सोना रूपा के आपने उस कलम की लाज रखी, इतना खूबसूरत लिखा। लौकियों की जिंदगी बचपन से लेकर उनके अंत समय तक किस तरह प्रतीकों के माध्यम से डॉक्टर उर्मिलेश ने उस गजल को गढ़ा है, आइए सुनते हैं सोना की आवाज में डॉक्टर उर्मिलेश शंकर की ये गजल।